देखो जब शादी किया जाता है ना तो गुण देखा जाता है, लड़का क्या करता है या फिर लड़की क्या करती है, कैसी स्वभाव की है। और आजकल सबसे ज्यादा क्या देखते हैं आप लोग शादी से पहले? नहीं पता? नहीं, विवाह से पहले क्या देखते हैं आप? लड़का कैसा होना चाहिए? हाँ जोर से बोलो, कैसा होना चाहिए? पहले पहले के लोग देखते थे लड़का कैसा हो, गुणवान हो, संस्कारवान हो, सबका सम्मान करने वाला हो। लेकिन आजकल के लोग सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी अगर है तो शादी पक्की, चाहे कितना काला कलूटा हो, अगर सरकारी नौकरी है तो शादी पक्की। प्यार से बोलो। और बहू घर में आए तो अच्छा, घर को भी संभाले, काम भी करे और नौकरी भी करे, ऐसी बहू चाहिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगी, दामाद ढूंढो तो केवल नौकरी देख कर के शादी मत करो। आपका बेटा महीने में, आपका दामाद महीने में लाखों कमाता है, लेकिन जब रात में घर में आए तो शराब पीकर के अगर आता है और आपकी बेटी को परेशान करता है, उसको गलत बोलता है, उसे मारता है, और ऐसे व्यक्ति से शादी करके आपकी बेटी जीवन भर रोएगी और उसका आंसू आपको लगेगा। इसलिए धन को मत देखो, उसके संस्कार को देखो, गुण को देखो। अगर लड़का संस्कारवान है, भले ही वो कम कमाता हो, धन भले ना हो, अगर उसके भीतर अच्छे गुण होंगे, बड़ों का सम्मान करना जानता हो, अच्छे संस्कार होंगे, तो जीवन में कमा करके अपने पत्नी का पालन भी करेगा, अपने गृहस्थ आश्रम को बड़े अच्छे से चलाएगा। लेकिन जहाँ पर केवल धन हो और संस्कार ना हो, तो वो गृहस्थी कभी सफल नहीं हो सकता। प्यार से बोल दीजिए ना, बहू ढूंढो तो संस्कारवती ढूंढो, जिसमें अच्छे संस्कार हो। दामाद ढूंढो तो संस्कारवान ढूंढो। इसके लिए आप अपनी बेटी को भी और अपने बेटा को भी अच्छे संस्कार दीजिए, कथा से जोड़िए, सत्संग से जोड़िए, तब जाकर के आपके जीवन में धर्म होगा, संस्कार होगा और आप जीवन भर सुखी रहोगे। प्यार से बोल दीजिए ना।